afternoon student, myself Antima Agnihotri, Department of Botany, Pentium Point Technical College, Rewa. Student, COVID-19 की इस समय में मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे. आज हम पढ़ेंगे प्लांट सक्सेशन. प्लांट सक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है, नेचुरल कंटिन्यूस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें प्लांट कम्युनिटी किसी एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को रिप्लेस करती है बाय कंपटीशन, या इसमें बायोटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. मतलब किसी भी वजह से प्लांट कम्युनिटी का रिप्लेस होना और उसकी जगह पे नई प्लांट कम्युनिटी का ग्रो होना प्लांट सक्सेशन की प्रोसेस कहलाती है या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है. जब ये प्रोसेस होती है, इनिशियली स्टार्ट होती है, मतलब कहीं की प्लांट कम्युनिटी ख़त्म होती है, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो डेवलप होती है प्लांट स्पीसीज वो पायनियर कम्युनिटी कहलाती है. मींस कि सबसे पहले जो स्पीसीज ग्रो हुई, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्पीसीज अगर किसी कोई नई स्पीसीज अगर किसी नई जगह पे ग्रो हो रही है तो इतनी जल्दी अडॉप्टेड नहीं हो पाती. हाँ, वो ग्रो होती है वहाँ पे, अडॉप्टेशन करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहीं पे उनका अडॉप्टेशन करने का कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और वो प्लांट कम्युनिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उनकी जगह पे रिप्लेस होती है नई प्लांट स्पीसीज. और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली तब तक चलती रहती है जब तक कोई इस्टेब्लिश प्लांट कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप ना हो जाए. और जो इस्टेब्लिश प्लांट कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप हो जाती है उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी है, मीन्स हम ये कहते हैं कि चरम सीमा, किसी भी जगह की चरम सीमा. अब उससे ज़्यादा वहाँ पे प्लांट डेवलप नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल एक हरा भरा ग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन. मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसका अडॉप्टेशन करने का जो टाइम है वो ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक उस जगह पर सर्वाइव कर पाते हैं. अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्लांट सक्सेशन की बात करें तो एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस जो इसमें प्लांट स्पीसीज एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं और इकोलॉजिकल कंपटीशन होता है जिसकी वजह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करके डेवलपमेंट करती है, प्लांट सक्सेशन प्रोसेस कहलाती है. ये प्रोसेस कई सारे कारणों से हो सकती है, इसके लिए कोई एक कारण हम नहीं कह सकते हैं. बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हो सकते हैं. बायोटिक फैक्टर में जैसे कि वोल्केनो का आना, आंधी से आने से बड़े बड़े फॉरेस्ट का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, सॉइल इरोजन, सॉइल में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा का कम होना जिसकी वजह से प्लांट पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं, तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. कॉजेज ऑफ सक्सेशन में इनिशियल कॉजेज, इसमें सारे बायोटिक फैक्टर होते हैं. बायोटिक फैक्टर में जैसे मैंने बताया विंड, फायर, वॉल्केनो एक्सेट्रा. एकेसिस या कंटिन्यूस कॉजेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब ये एक ही बार में काम नहीं होता, ये प्रोसेस चलती रहती है. जैसे माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे, मान लीजिए ये कोई एक प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, यहाँ से कोई सीड वगैरह, कोई प्लांट की स्पीसीज यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने अडॉप्टेशन करना है, स्टार्ट किया, और अगर ये अडॉप्ट हो गई तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, माइग्रेशन. यहाँ से यहाँ इसका क्या हुआ, स्थानांतरण या ट्रांसफ़र. अब यहाँ पे इसने अपना जगह बना ली, इसके बाद ये इसने जब अगर अपनी प्लांट कम्युनिटी एक दो बढ़ाना स्टार्ट किया, प्लांट का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एकेसिस. फिर इस इसकी जो बनाई गई प्लांट कम्युनिटी है यहाँ अगर डेवलप होने लग गई तो ये प्रोसेस एग्रीगेशन, मतलब समूहन. अब इसने अपनी कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया और अगर ये कम्युनिटी बन के अडॉप्ट कर गई और कुछ टाइम तक सर्वाइव कर गई उस एनवायरमेंट में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्टेबलाइजेशन. नेक्स्ट है कॉजेज, स्टेबलाइजिंग कॉजेज. ये ऐसी प्लांट कम्युनिटी होती है जो प्लांट को स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ सक्सेशन, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ये मानते हैं कि इसके पहले उस जगह पे कोई प्लांट स्पीसीज कभी डेवलप नहीं हुई थी. फर्स्ट टाइम जब प्लांट की कम्युनिटी किसी नई जगह पे डेवलप होती है तो ये प्रोसेस प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल किसी बेयर रॉक पे नए प्लांट का डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली
अचानक से पूरे फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता और ना ही कोई बड़ा प्लांट ग्रो हो सकता है। वहाँ पे सबसे पहले आपके छोटे छोटे एल्गी वगैरह डेवलप होंगी, और उसके बाद मॉसेस प्लांट, उसके बाद श्रब प्लांट, उसके बाद फिर हायर प्लांट्स अगर इस्टेब्लिश कर गए तो वो पूरे एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पहले प्लांट कम्युनिटी थी लेकिन किसी वजह से वो वहाँ ख़त्म हो गई या वहाँ की प्लांट कम्युनिटी रिप्लेस कर दी गई, और वहाँ पे उस जगह पे कोई नई प्लांट कम्युनिटी जब डेवलप होती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेकेंडरी सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब ये होता है कभी कभी प्लांट कम्युनिटी अपने आप में सेल्फ मॉडिफिकेशन करके और सेल्फ मॉडिफिकेशन करके खुद को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करते हैं, और इनका मॉडिफिकेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये खुद को वहाँ पे फिर अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका अडॉप्टेशन क्लाइमेट के अडॉप्टेशन से बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, जिसकी वजह से इनमें ही खुद कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और प्लांट कम्युनिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। एलोजेनिक सक्सेशन, इसमें सारे एक्सटर्नल फैक्टर वर्क करते हैं, और जैसे क्लाइमेट का चेंज होना या सॉइल में ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक मटेरियल का कम या ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से प्लांट स्पीसीज प्रभावित होती हैं। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन ऐसी प्लांट कम्युनिटी, इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा ऑर्गेनिक मटेरियल से ज़्यादा होती है, और ऐसे प्लांट जो अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन। ऐसा सक्सेशन जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा इनऑर्गेनिक मटेरियल से ज़्यादा होती है, मीन्स सड़े गले वेस्ट मटेरियल में ग्रो होने वाले प्लांट हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन में आते हैं, जैसे आपके लोअर प्लांट्स, आपका फंजाई हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, और ये प्लांट बहुत ही जल्दी क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुँच जाते हैं क्योंकि इनका अडॉप्टेशन करने का तरीका और ग्रो अप डेवलपमेंट करने का तरीका बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद डिफ्लेक्टेड सक्सेशन। डिफ्लेक्टेड सक्सेशन ऐसी प्लांट कम्युनिटी होती है जो अपने में डिफ्लेक्शन शो करते हैं, मतलब कि ये प्लांट कम्युनिटी ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली अपने में परिवर्तन शो करती हैं। जैसे हम माने ये स्पीसीज़ है UVXY, और इससे इसके बाद जब इसकी कम्युनिटी बनी तो ये कैसी रहेंगी? UVWWXY। इनकी प्लांट स्पीसीज़ में क्या होता है? डिफ्लेक्शन, मतलब कंटिन्यूसली परिवर्तन शो होता है। जितने बार भी ये अपनी कम्युनिटी बनाएंगी इनमें ये एक्सचेंज दिखेगा। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड सक्सेशन। ये प्लांट कम्युनिटी ऐसी होती है जो प्रोडक्टिविटी के लिए इंड्यूस्ड की जाती हैं। इन शॉर्ट ये ह्यूमन, मतलब हम लोग प्लांट को जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंड्यूस करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं बाय ऑर्गेनिक मटेरियल, खाद वगैरह डाल के, तो जो कम्युनिटी बनती है वो क्या कहलाती है? इंड्यूस सक्सेशन। नेक्स्ट है जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में कुछ प्रोसेस होती हैं जिसमें से फर्स्ट है न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। न्यूडेशन का मतलब होता है कि किसी जगह से प्लांट कम्युनिटी का हटा दिया जाना। ये कोई भी कारण हो सकता है, बायोटिक फैक्टर हो सकता है, ह्यूमन कॉज हो सकता है। अगर बायोटिक फैक्टर है तो मान लीजिए कहीं पे तूफान आया, आंधी आई, तो वहाँ की प्लांट कम्युनिटी ख़त्म हो गई और वो ज़मीन खाली हो गई। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? न्यूडेशन। और इन्वेजन मतलब कि किसी खाली ज़मीन पे नए प्लांट का ग्रो करना। अब ये प्रोसेस तीन पार्ट में होती है। फर्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब किसी नई जगह पे नई प्लांट स्पीसीज़ का आ जाना या स्थानांतरित हो जाना, ठीक है। सेकंड एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब स्थानांतरित होने के बाद उस स्पीसीज़ का एडॉप्ट करने के बाद अपनी ही प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, समूहन
एग्रीगेशन, ठीक है। फिर एकेशिस, अब समूहन तो हो गया, अब ये एडॉप्टेड भी हो जाएं, तो अगर ये एडॉप्टेड हो जाती है तो कहलाएगा अस्थापन, मतलब कि अब ये इस्टेब्लिश होने लग गई। अब अगर इस्टेब्लिश हो गई और इनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, कॉम्पिटिशन या कोएशन। कॉम्पिटिशन मतलब कि अगर प्लांट की कम्युनिटी बन गई, एग्रीगेशन हो गया, तो उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, जगह भी चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, जिसके लिए प्लांट कम्युनिटी आपस में कॉम्पिटिशन करती है। और इसमें जो प्लांट कम्युनिटी सर्वाइव कर लेती है, कॉम्पिटिशन फाइट कर लेती है, वो सर्वाइव करती है, जो नहीं कर पाती वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रिएक्शन, रिएक्शन में प्लांट कम्युनिटी किसने सर्वाइव किया, कौन सर्वाइव नहीं कर पाया, ये आता है। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये, जो प्लांट कम्युनिटी अडॉप्टेशन कर लेती है, कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर लेती है, वो स्टेबलाइज हो जाती है और आगे वो प्लांट कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है। थैंक यू, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा।